Friends, today our topic is angiolytics, angiolytic drugs. Those drugs work in to relieving the anxiety. Anxiety को relieve करने के लिए जो drugs काम में ली जाती हैं, basically उनके बारे में अपन बात करेंगे आज. So first of all, angiolytics are the minor tranquilizers. ये एक minor tranquilizers है. और most of the these tranquilizers belongs to benzodiazepine. मोस्टली जितनी भी ट्रैंकुलाइजर है जिसके अंदर काम आती है वो सभी बेंजोडाइजेपिन ग्रुप से रिलेटेड होती है. पर्टिकुलरली जो ट्रैंकुलाइजर है वो क्या होते हैं, वो ड्रग्स जो एंजाइटी, हेजिटेशन, इन चीजों को, टेंशन को रिलीव करने के लिए काम में ली जाती है, उन मेडिसिन को ट्रैंकुलाइजर्स बोलते हैं अपन कॉमनली. नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजियोलाइटिक्स. एंजियोलाइटिक्स का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल बार्बिट्यूरेट्स, देन नॉन बार्बिट्यूरेट्स, देन थर्ड इज बेंजोडाइजेपिन्स. सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोलाइटिक्स. तो इस क्लासिफिकेशन के बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखते हैं कौन कौन से ड्रग्स आती है ये जो बार्बिट्यूरेट्स है. बार्बिट्यूरेट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल आता है फिनोबार्बिटॉल एंड थियोपेंटॉल. तो ये ड्रग्स हैं जो बार्बिट्यूरेट्स के अंदर काउंट होती है. नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉन बार्बिट्यूरेट्स एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स. सो इसके अंदर आता है फर्स्ट ऑफ ऑल इथेनॉल. इथेनॉल काउंट होता है इसके अंदर नॉन बार्बिट्यूरेट्स ड्रग्स के अंदर. देन बात करते हैं अपन बेंजोडाइजेपिन्स. बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर कौन कौन से ड्रग आए कॉमनली इसके अंदर अपन देखते हैं प्रेजेंटली बेंजोडाइजेपिन्स आर द ड्रग of first choice in treatment of anxiety and for the treatment of insomnia. Insomnia ka aur anxiety ka to first of all jo treatment hai wo related hai benzodiazepine se. Iske andar aage dekhte hain apan very short acting, for example jo short acting hai iske andar wo hai basically trizolam then midazolam. Midazolam aur trizolam ye aati hai वेरी शॉर्ट एक्टिंग के अंदर. नेक्स्ट अपन देखते हैं शॉर्ट एक्टिंग इसके अंदर आती है ऑक्सीजिपाम. ऑक्सीजिपाम आती है शॉर्ट एक्टिंग के अंदर. नेक्स्ट अपन देखते हैं जो लॉन्ग एक्टिंग है उसके अंदर आता है डाइजिपाम, क्लोनाजिपाम. सो दीज आर द कॉमनली यूज बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडिकेशन ऑफ द एंजियोलाइटिक ड्रग्स. कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कौन कौन से साइकेट्रिक सिम्टम्स हैं जिनको रिलीव करने के लिए एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स है जो काम में ली जाती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर, इनसोमनिया के अंदर, डिप्रेशन डिसऑर्डर के अंदर, पैनिक डिसऑर्डर के अंदर, सोशल फोबिया के अंदर, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर, देन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर. सो दीज आर द इंडिकेशन ऑफ द एंजियोलाइटिक ड्रग्स. अगर किसी पेशेंट के अंदर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर या इंसोमनिया या डिप्रेशन या पैनिक या सोशल फोबिया ये सारे फीचर्स अगर देखने को मिल रहे हैं तो वहां पर जो एंजियोलाइटिक्स है उनको प्रेफर किया जा सकता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डोजेस ऑफ द एंजियोलाइटिक ड्रग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल एल्प्राजोलाम 0.5 mg टू 6 mg पर डे पर ओरल. ये जो एल्प्राजोलाम है फर्स्ट ऑफ ऑल चॉइस ऑफ ड्रग है, इसकी जो डोज रहती है 0.5 से 6 मिलीग्राम पर डे पर ओरली रहती है. देन ऑक्सीजिपाम 15 टू 120 पर ओरली मिलीग्राम पर डे. देन लोराजिपाम 2 टू 6 पर ओरल और आईएम भी दे सकते हैं, आईएम भी इसको दे सकते हैं. देन डाइजिपाम बहुत ज्यादा काम में ली जाने वाली ड्रग्स है लोराजिपाम एंड डाइजिपाम. तो डाइजिपाम में काफी काम में ली जाती है, इसकी जो डोज रहती है 2 टू 10 पर ओरल या आईएम और आईवी इसको काफी ज्यादा स्लो लगाया जाता है. सो दिस इज द नाउ नेक्स्ट इज नाइट्राजिपाम. नाइट्राजिपाम इज 5 टू 20 मिलीग्राम पर डे पर ओरल. सो दीज आर द चॉइस ऑफ ड्रग्स ऑफ द एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल एल्प्राजोलाम, ऑक्सीजिपाम, लोराजिपाम, डायजिपाम, मेट्रोजिपाम.
Now we are going to discuss the mechanism of action of the anxiolytic drugs. जो एंजियोलाइटिक ड्रग्स है वो किस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर इन्वॉल्व होके किस प्रक्रिया के थ्रू जो एंजाइटी है, एजिटेशन है, उनको रिलीव करती है, इन सारे फीचर्स को रिलीव करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं, जो चॉइस ऑफ ड्रग्स है बेंजोडाइजेपिन, जो एंजियोलाइटिक्स है उनके अंदर जो ड्रग्स काम में ली जाती है बेंजोडाइजेपिन, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंड विद द गाबा रिसेप्टर। गाबा रिसेप्टर की एक जो साइट होती है, पर्टिकुलर साइट, उस साइट के ऊपर ये जो बेंजोडाइजेपिन है ये बाइंड अप हो जाते हैं। नेक्स्ट इंक्रीज गाबा लेवल, दे आर इंक्रीजिंग द गाबा लेवल, और रिसेप्टर की साइट पे ये बाइंड अप होके गाबा को जो लेवल है काफी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। और ये इंक्रीज होने पर अपने को पता है जो गाबा पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन, जो गाबा होता है पर्टिकुलरली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिटर का इसका काम होता है, बेसिकली नॉर्मल प्रक्रिया जो होती है। देन अगर ये जो इस अगर इसका लेवल काफी ज्यादा घट गया है और इसका नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन है, तो ये क्या करेगा, सीएनएस के अंदर क्लॉमिंग इफेक्ट डेवलप करेगा, जिससे कि क्या होगा, टेंशन है, एंजाइटी है, वो काफी टाइम के लिए रिलीव हो जाएगी। सो दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंजियोलाइटिक ड्रग्स। एक बार दोबारा अपन रिपीट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजोडाइजेपिन्स है, बेंजोडाइजेपिन बाइंड करती है गाबा रिसेप्टर के साइट के ऊपर, देन इंक्रीज करती है लेवल ऑफ द गाबा, और गाबा पर्टिकुलरली है न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, देन इन दिस इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर वर्क एज ए क्लामिंग इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्लामिंग इफेक्ट अपने को दिखेंगे तो जो एंजाइटी है और डिप्रेशन है और एजिटेशन है वो रिलीव हो जाएगी। नाउ कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ एंजियोलाइटिक ड्रग्स, कौन कौन से ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो काफी कॉमन है एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोजिया एंड वॉमिटिंग काफी ज्यादा कॉमन है, नोजिया एंड वॉमिटिंग, देन वीकनेस, देन वर्टिगो, वर्टिगो मतलब चक्कर वगैरह आना, सीजर्स है, काफी कॉमन देखा जाता है साइड इफेक्ट जो पेशेंट ले रहा है एंजियोलाइटिक्स और बेंजोडाइजेपिन जो ड्रग है। अपन देखते हैं ब्लरिंग ऑफ द विजन, देखने के अंदर पेशेंट को धुंधला दिखाई देता है, देन बॉडी है पूरी बॉडी के अंदर उसके पेन होता रहता है, देन एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक जो रीजन है उसके अंदर एब्डोमन के अंदर उसको पेन फील होता है, देन डायरिया, देन इम्पोटेंसी, इम्पोटेंसी भी एक कॉज कर सकता है एंजियोलाइटिक ड्रग्स, देन सेडेशन, इसके इससे क्या होता है ये सेडेशन भी कॉज कर सकता है, तो इसीलिए अगर कोई भी ड्राइविंग वगैरह कर रहा है तो उसके साथ मिस हैपनिंग हो सकती है, इसीलिए ड्राइविंग वगैरह ये सारी चीज़ें अगर कोई पेशेंट एंजियोलाइटिक्स ले रहा है तो उसको अवॉइड करनी चाहिए। देन अटैक्सिया, कोई मूवमेंट्स के अंदर उसके कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, देन ड्राई माउथ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, देन रेट्रोग्रेड एमनेसिया, देन डिपेंडेंसी, जो पेशेंट है अगर काफ़ी लंबे टाइम तक ये एंजियोलाइटिक्स ड्रग है काफ़ी लंबे टाइम से ले रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, अगर वो उसको सडन से छोड़ता है, लेना बंद कर देता है तो उसके अंदर जो विड्रावल सिम्टम्स है, नोजिया वोमिटिंग्स है और कार्डियक अरेस्ट टाइप है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, ये होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उसको सडनली नहीं छोड़ा जाता, बंद नहीं किया जाता, धीरे धीरे डोज को स्लो करके इसको बंद किया जाता है। सो दीज आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ द एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स। अगेन वी रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल नोजिया एंड वोमिटिंग, वीकनेस, वर्टिगो, ब्लरिंग ऑफ द विजन, बॉडी एक, एपिगैस्ट्रिक पेन, डायरिया, इम्पोटेंसी, सेडेशन, अटैक्सिया, ड्राई माउथ, देन रेट्रोग्रेड एमनेसिया, देन डिपेंडेंसी। नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट पार्ट एंड द फाइनल पार्ट, नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स। एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स है उसके अंदर नर्सेस की क्या क्या बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी भी अपन रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट की जो भी वाइटल्स है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन है करना,
ये सबसे प्रायोरिटी रहती है नर्स की. देन अपन स्पेशली एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स के अंदर देखेंगे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. पर्टिकुलर मिनिमाइज गैस्ट्रिक इरिटेशन, जो पेशेंट को जो अपन फूड दे रहे हैं उसका स्पेशली ध्यान रखना है. सेमी सॉलिड डाइट देनी है, लिक्विड डाइट उसको देनी है. ज़्यादा हैवी डाइट अपन है उसको प्रोटीन डाइट ज़्यादा नहीं देनी जिससे कि उसको गैस्ट्रिक इरिटेशन हो. तो फूड का जो अपन उसको दे रहे हैं उसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है. देन टेक मेडिकेशन एग्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब, जिस तरह से जो प्रिस्क्राइप्शन किया गया है एंजियोलाइटिक्स लेने का उसी तरीके से जो मेडिसिन को लेना चाहिए. बिकॉज कई बार क्या होता है ओवरडोजिंग से या गलत तरीके से लेने से ये काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो देखने को मिलते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी अरेस्ट वगैरह होने के चांसेस रहते हैं. नाउ नेक्स्ट एक्सप्लेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स. इसके जो भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं जो अपन ने पढ़े थे, वो पेशेंट को पहले ही कन्वे कर देने चाहिए, एक्सप्लेन कर देने चाहिए ताकि उसके अंदर एंजाइटी फर्दर डेवलप ना हो. कि उसको बता देना चाहिए कि इससे नोजिया वोमिटिंग भी होता है, सेडेशन भी ये कॉज करता है और थोड़ा बहुत ब्लरिंग और विजन भी हो सकता है कभी कभार. तो ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि एंजियोलाइटिक्स ड्रग है जो लेने के बाद में देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट जो भी अपन पेशेंट अगर एल्कोहलिक है, एल्कोहल ले रहा है, तो ओवर जो ड्रग की जो डोजेज है उसके साथ में जो एल्कोहल है उसको नहीं लेना चाहिए. वो ओवरडोज कॉज कर सकता है और टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है. इसलिए ये जो एल्कोहल है और अदर भी कोई ड्रग है वो उसके साथ अपने को बाइंड अप नहीं करनी चाहिए. देन डीप आईएम का मतलब है जो भी आप अगर पर ओरली नहीं ले रहा पेशेंट, आईएम आप लगा रहे हो तो आईएम को बिल्कुल आपको डीप में देना है. देन मिनिमम जिससे क्या हो इरिटेशन हो. देन आईवी एडमिनिस्ट्रेशन नॉट मिक्स विद एनी ड्रग. जो भी एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स है अगर आप उसको आईवी दे रहे हो तो किसी अदर मेडिसिन के साथ उसको कभी भी मिक्स ना करें. देन गिव स्लोली. आईवी जो मेडिकेशन है आपको बिल्कुल स्लोली देनी है. जो जितने भी ट्रैंकुलाइजर्स है, बेंजोडाइजेपिन्स है, वो स्लोली देने चाहिए आईवी. देन मॉनिटर वाइटल साइन. जब आप एंजियोलाइटिक बेंजोडाइजेपिन आईवी आईएम या ओरली दे रहे हो तो उसकी क्लोज आपको मॉनिटरिंग करनी चाहिए. उसकी जो उसके अंदर साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो उसके मूवमेंट्स हैं, उनको भी आपको देखते रहना चाहिए. आप फाइंड आउट कर सको कोई उसके अंदर एडवर्स इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा. सो दीज आर द नेसेस रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स. अगेन वी समराइज द होल टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द व्हाट इज एंजियोलाइटिक ड्रग. एंजियोलाइटिक ड्रग्स क्या होती है, एक ट्रैंकुलाइजर है और मोस्टली इस ग्रुप के अंदर बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स आती है. फिर अपन ने देखा था कि इसका ड्रग्स का क्लासिफिकेशन. फिर अपन ने देखा इंडिकेशन कौन कौन से जो कारण है, कॉजेज है, डिसऑर्डर्स है जिनके अंदर अपन एंजियोलाइटिक्स जो काम में ले सकते हैं. फिर अपन ने देखा था इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किस तरह से गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है. गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद इसके लेवल को बढ़ा देता है और गाबा एक नेचुरली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है. और ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का जब लेवल बढ़ेगा तो इट्स कॉज क्लामिंग इफेक्ट ऑन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम. देन नेक्स्ट अपन ने देखा था कि साइड इफेक्ट्स ऑफ दी एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स. देन नेसेस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स. टुडे आवर टॉपिक इज कंप्लीटेड. थैंक यू वेरी मच.